अरे बाप रे बाप, मोहब्बत अब बेचाता टू ही हम करने वाले थे लाल घगरा की जगह, लेकिन भाई ने बोला या हम भी एक सलाह दिए कि भाई थोड़ा रोना धोना कम करते हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा फनी मूड का गाना लाए मार्केट में और हमारे ऑडियंस इस गाने को एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, थैंक यू मेरा भाई। और मोहब्बत अब बेचाता पार्ट टू भी बहुत जल्दी आप सोन को, आप सभी को देखने को मिलेगा, थैंक यू। मेरा नाम राजेश सिंह है, मैं हिंदमत मैगजीन से हूँ जी। सबसे बड़ी बात है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने मतलब काफी डेवलपमेंट किया, पहले जो हम भिखारी ठाकुर से सुनते थे अभी तक उस रेगुलरली प्रोग्रेस में, लेकिन जो द्विवर्ती संवाद हम लोग गाने गाते हैं, आपके गाने तो बहुत ही कर्णप्रिय भी है, लोकप्रिय भी है, और आप गाने ऐसे निकालते हैं जिसको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। साइलेंस प्लीज, साइलेंस, साइलेंस प्लीज, साइलेंस। मैं आपसे ये पहले तो मीडिया की तरफ से मैं ये थोड़ा सा आपसे और शिल्पी जी से कुछ सुनना भी हम लोग चाहेंगे कि आप अपनी आवाज में हमें कुछ सुनाइए, और दूसरा सवाल इसके साथ ये रहेगा कि जो द्विवर्ती संवाद में जो हम लोग गाने गाते हैं इसमें कब तक हम लोग विराम लगे? ठीक है, ये तो बोलेंगे, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि भोजपुरी ठीक है, और मैंने जैसे पहले ही बोला भैया आपसे, आप सभी से मैंने बोला कि देखने का नजरिया जो है ना वो साफ रहना चाहिए, तो आपको हर चीज साफ दिखेगा। जैसे आप कोई भी लोकगीत हो या फोक सॉन्ग हो, किसी का आंसर अगर आप खोजते चलेंगे या ढूंढेंगे तो फिर सभन के आंसर तो वो है बा। हाँ, थोड़ा सा केहू पर्दा में बोल रहा है, केहू जौन बात नहीं ज़्यादा प्रत्यक्ष कर देता, तो उसके लिए ही मैंने बोला कि हम सभी को मेहनत करना है कि प्रत्यक्ष जो है उसको थोड़ा कम किया जाए, दायरे में ही रहें, पर्दे के अंदर रहें और श्रृंगार का मजा लें। गाओ रीते ही गाओ, पीछे से हम गा दे। कौनो गाना के बोल आप ही बता दी। देखो क्या है ना, देखिए क्या है, पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।